ये एक फीलिंग है एक बाप की, एक पिता की, जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखता है, बाद में वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। तो उसके ऊपर कुछ लिखा है, दो पल रहा सुकून से, कि दो पल रहा सुकून से, अब वो सुकून कहाँ रहा, कि दो पल रहा सुकून से, अब वो सुकून कहाँ रहा, दिन रात मेहनत करके जो घर बनाया था मैंने, कि दिन रात मेहनत करके जो घर बनाया था मैंने, अब वो घर घर कहाँ रहा, कि चला गया वो बेटा भी घर से, कि चला गया वो बेटा भी घर से, जिस बेटे पर मुझे नाज था, छोड़ गया बुढ़ापे में वो ये कहकर अकेला, क्योंकि उसको बनाना किसी अनारकली के लिए ताज था। शुक्रिया। अब समझ आया कुछ नहीं रहा इस जमाने में, ये अब समझ आया कोई नहीं होता है अपना इस जमाने में, खाम खां लगे रहते हैं हम खुद को भूलकर औरों के लिए कमाने में, कि अब समझ आया कुछ नहीं रखा इस जमाने में, खाम खां लगे रहते हैं हम खुद को भूलकर औरों के लिए कमाने में, मजा नहीं आता यूं तो बिना दोस्तों के मैं खाने में, कि मजा नहीं आता यूं तो बिना दोस्तों के मैं खाने में, सारी जिंदगी निकल गई, कि सारी जिंदगी निकल गई गांव का घर छोड़कर बच्चों के लिए शहर में घर बनाने में, पर अब बच्चे भी पूछते हैं किया क्या है तुमने इस जमाने में, कुछ नहीं रखा अब खाम खां किसी पर अपना हक जताने में, कुछ नहीं रखा खाम खां अपना हक किसी पर जताने में, बच्चों को शर्म आती है बाप को बाप बताने में। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी जो लड़कों से थी, अब कुछ एक पापा की एक्सपेक्टेशन होती है बेटियों से होती है, उस पर भी कुछ लिखा था, कि बड़ी मुश्किलों से घर पर एक बेटी हुई थी, कि बड़ी मुश्किलों से घर पर एक बेटी हुई थी, जिससे मैंने बहुत सारी उम्मीदें पाली थी, कि बड़ी मुश्किलों से घर पर एक बेटी हुई थी, जिससे मैंने बहुत सारी उम्मीदें पाली थी, घर वाले तो खुश नहीं थे उसके होने पर, कि घर वाले तो खुश नहीं थे उसके होने पर मैंने उसके होने पर जश्न बजाए ताली थी, कि याद है मुझे, कि याद है मुझे जब उसकी जिद पर, कि याद है जब मुझे जब उसकी जिद पर मैंने होली पर बनाई दिवाली थी, कि याद है मुझे जब जब उसकी जिद पर होली पर बनाई मैंने दिवाली थी, और उसकी एक जिद पर की और एक उसकी जिद पर मैंने दिन रात मेहनत करके, कि मैंने दिन रात मेहनत करके उसके लिए एक स्कूटी निकाली थी, धीमे धीमे अब वो बड़ी हो गई, कि धीमे धीमे अब वो बड़ी हो गई, फिर वो मुझसे दूर हो गई, ना जाने फिर वो क्यों इतनी मजबूर हो गई, कि ना जाने फिर क्यों वो इतनी मजबूर हो गई, जिससे मैंने उससे बेतहाशा उम्मीदें पाली थी, वो लड़की जब हुई थी सबसे ज़्यादा उसकी खुशी में बजाई मैंने सिर्फ ताली थी। आगे की शुक्रिया शुक्रिया। आगे की लाइन कुछ इस तरह से है, उसके लिए स्कूटी निकाली थी और उसके चेहरे पर वो खुशहाली थी, अब क्या ही बताएं तुमको यारो, कि क्या ही बताएं तुमको यारो, जब वो दौड़ था, कि कब क्या बताएं तुमको यारो, कि जब वो दौड़ था उसका हीरो जब मैं था, अब उसके लिए अब उसने किसी और के हीरो के लिए मेरी सरेआम इज्जत उछाली थी, सरेआम इज्जत उछाली थी, लाख समझाने पर उसे उसने फिर जहर खाने की धमकी दे डाली थी, ये सब सुनकर मुझे सदमा लग गया, कि ये सब सुनकर मुझे सदमा लग गया, क्योंकि जो मेरी जान थी उसने किसी और के लिए अपनी जान देना जो मेरी जान थी उसने किसी और के लिए अपनी जान देने की धमकी दे डाली थी, बहुत गिड़गड़ाया था उसके सामने पर, कि बहुत गिड़गड़ाया था उसके सामने पर उसके बहुत गिड़गड़ाया था उसके सामने पर उसने मेरी हर बात अनसुनी कर डाली थी, मेरे सामने मेरा सब कुछ खो रहा था, कि मेरे सामने मेरा सब कुछ खो रहा था, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, कि मेरे सामने मेरा सब कुछ खो रहा था, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था,
लाख सोचने पर फिर मैंने अपनी पगड़ी उसके आगे डाली थी कि लाख सोचने पर फिर मैंने अपनी पगड़ी उसके सामने डाली थी। नहीं मानी फिर भी वो लड़की, उसने सरेआम बीच बाजार में एक बाप की पगड़ी उछाली थी। दिन रात मेहनत करके पढ़ाया था जिसको वो लड़की जो बेटे की तरह पाली थी। क्या बताएं यारों, उसी लड़की ने एक बाप की इज्जत सरेआम उछाली थी। शुक्रिया। कि हर तख्त से बड़ा ताज हो तुम, कि हर तख्त से बड़ा ताज हो तुम, हर रियासत से बड़ी कायनात हो तुम। कि हर तख्त से बड़ा ताज हो तुम, हर रियासत से बड़ी कायनात हो तुम। कि जल गया है तुमको देखकर वो सूरज, कि जल गया है तुमको देखकर वो सूरज, शायद ताज से भी खूबसूरत ताज हो तुम। शुक्रिया।